सिया। मैंने लंका जाकर के माता सीता का पता लगाकर और आपके कथनानुसार लंका को जलाकर हार करके वापस लौटा हूँ। हम शीघ्र ही राम के पास चलते हैं। मुझे लगता है कि बजरंगबली सीता माता की सुध लेकर वापस लौट रहे हैं। मुझे सारी सेनाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आते मुझे जी। क्या हुआ, जहाँ गए थे? प्रभु, यह आप ही का प्रताप है कि आपके आशीर्वाद से हमने लंकापुरी में जाकर के माता सीता का पता लगाया और उन लंका वालों को हमने कुछ अपना पौरुष भी दिखलाया है प्रभु। लेकिन प्रभु, माता सीता लंका में इस तरह है। ठीक है बजरंगी, ठीक है हनुमान। हे महाबली, हे सेवा के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया हो प्रभु, कृपया ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्रभु। अब यह बदलाव मैंने ही इतना दिला कर रखी है इस जीवन की आचार कर हमने।
प्रभु। हाँ बजरंगी, मैं क्या कहूँ, मुझसे माता का दुख देखा नहीं जाता है। बताओ, जल्दी बताओ। जीवा है उसी तरह से माता उन राक्षसों के बीच में है प्रभु। क्या कहा? और आने के समय मुझसे माता ने कुछ शब्द कहे हैं। बताइए। आने के समय कहा मुझसे सब मेरी कथा सुना देना, नहीं किंतु आपको ज्ञात होगा कि आपने कौन सा मान सेंता पर मारा था जो आज तक माता को याद है। और माता ने मुझसे कहा कि अपने प्रभु को इस बात को याद दिला देना। आगे माता ने क्या कहा है प्रभु? अपराध हुआ है क्या मुझसे माता का दुख लंका में मुझसे देखा नहीं गया। आखिर किस तरह से माता वहां है और प्रभु माता ने आते समय मुझसे कहा कि अति शुद्ध महीने भर में नहीं रघुराई में पर मेरी तो कल तज आत्मा लेके हम चलेंगे आगे। आपने मुझे यहां से विदा करते समय मुद्रिका दी थी, उसी तरह से माता ने मुझे अपनी यह चूड़ा मणि दी है। लीजिए प्रभु। माता वास्तव में बहुत है,
हो कुछ काथरी से जो उसकी महलों का जीवन जितना हो करनी का लिखा नहीं मिटता मोरी का जलेराम वर्मा जलेराम वर्मा इसी गांव के निवासी हैं बजरंग बली के इस सीन पर खुश होकर के ग्यारह तो प्रस्ताव प्रदान करते हैं हम और हमारी रामलीला के मुझे उनका हाथी अभिनंदन जारी करती है प्रभु इस संसार में दुख किसको नहीं है किंतु दुख इसको होता है जग में और उसके जीवन में सुख भी है किंतु जहां पर आपका नाम है प्रभु वहां कौन सा दुख कैसा दुख आपके नाम के आगे तो सारे दुख क्षण भर में दूर हो जाते हैं प्रभु और माता तो दिन रात आपका नाम जप रही है दुख है बजरंग बली के रोल पर खुश होकर के माता क्योंकि मैं तो एक बालक हूं माता के लिए तो मैं उनका पुत्र हूं माता के लिए मुझे आदेश है और आपसे निवेदन है यदि एक मास के भीतर आपने माता की सुध नहीं ली तो माता अपने बहन को त्याग देंगे प्रभु एक मास पहले चलेंगे हनुमान प्रभु माता का यह दुख अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है अब सीध ही हमें लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करना चाहिए प्रभु जामवंत काका युवराज अंगद तत्काल सेना को सज्ज करे लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो आज्ञा हो हाँ प्रभु बहुत उपकारी हूँ तुझे तो उपकारी और नहीं कथनानुसार समुद्र को पार कर लंका की ओर पहुंच चुके हैं अब क्या आदेश है प्रभु आदेश यही होगा कि
अब हमें चढ़ाई करना चाहिए। बिंदु प्रभु, सेना पूरी तरह से थक चुकी है, इसलिए कुछ क्षण विश्राम नहीं पर सेना सहित विश्राम करते हैं। उसके पश्चात जो आपकी आज्ञा होगी उसका पालन होगा प्रभु। ठीक है हनुमान। राज्यसभा के सचिवों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? पहली सागर के पार खड़ा करता है अपनी तैयारी है। जो सही हो, जिससे बैरी प्रास्त हो, वही राय दो। ये सचियों से क्या पूछ रहे हो? तो आपकी मुंह दिखी बात करेंगे। इनसे करने क्या, जो दीनानाथ से श्री राम से आप बैर रचाए हैं, उस बैर से आपको, वो तो महा प्रभु श्री राम है, उससे आगे आपका कुछ नहीं चलेगा। तो आप जिनका भूमिका समझते बंदरों को जानते हैं, वो तो एक एक वीर है, आप किसे ना कुछ नहीं कर सकती। भ्राता रखें, तू अपना सहोदर न होता काम देता, वह पीर नहीं है कायर है, वह पीर नहीं है कायर है, जो रण में वह मर्द नहीं ना मर्द हो, जो कर बात लड़ जावे। चाहे गंगा उल्टी बहे सूर्य पूरब से पंचम हुए, हो नहीं सकता लंका का लौट है राजपुत्र। मैं हूं लंकेश्वर, मैं ही हूं सर्वेश्वर। कायर जैसी बात करके लंका में लंका को कहता है, यहाँ पर इतना वीर है और बानर भालुओं की सेना हमारी क्या कर सकती है? नहीं लंकेश, आप जिनकी नारी हर कर ले आए हैं वो सीता आपकी चिता है। आप अपने काल को नहीं देख रहे हैं, आपके काल सम्मुख आ गया है। लंकेश, आप उनकी हार्या को लौटा दो और उनके शरण में चलो, वही आपका कल्याण। तपस्वियों के साथ जाओ, हमें अपनी श्रंका में कायरों की कोई जरूरत नहीं है। चरणों की आज से मुझे वर्षों से इंतजार था, मैं तो उन्हीं के चरणों में जा रहा हूं। प्यान के पाद के लंकेश, मुझसे जो गलती हो क्षमा कीजिएगा, मैं चलता हूँ। आप लंका आपको मुबारक हो। कहीं का
सिर्फ सिद्धि न हो, यह लंकापति राजा राम भाई विभीषण है, मैं इससे भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि लंका पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं विभीषण से ही मिला था। राक्षस कुल में जन्म लेने वाले को आप शरण में ले गए कि या नहीं?
मैंने देख लिया कि प्रभु आप कितने दयालु हैं। निर्मल मन जाने चरणों का सेवक रहना चाहता हूँ। कपट वाला मुझे पाता ही कब है विभीषण? हाँ, विभीषण के रोल पर हाशिम अली जो हमारे कमेटी के बहुत पुराने कलाकार हैं, उन्होंने खुश होकर के विद्यालय पर प्रस्ताव दान किया है। हमें हमारे जानना जरूरी का हाल ही स्वागत कर। हाँ, रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र वर्मा जो कि बाबा ग्रामसभा जो है कैसे दे रहे हैं, और प्रिंसिपल यादव तिहारगंज 11 रुपये दे रहे हैं, और तीन यार तीनों बेकार सूर समीचर आई पहना भैया 11 रुपये दे रहे हैं। राम जिला देने की हार्दिक स्वागत करती है। हे किस बिंधा पति लंका पति रावण के पास एक अपना ऐसा दूत भेजिए जो बाहुबली हो। उस दूत को भेजिए, हो सकता है कि रावण के कुछ सद्बुद्धि आ जाए और वो युद्ध करने से रुक जाए। ऐसा कोई दूत भेजिए प्रभु, यही पहली मेरी राय है। कोई ऐसा दूत भेजो वहाँ कि जिससे उन हो सकता है कि संधि ही कर ले रावण। हाँ, सीन को देखते हुए क्यों देते हैं का पुरस्कार राजन और हमारे पुरोहित पांडु भाई साहब की तरफ से क्यों रुपये का पुरस्कार रामलीला कमेटी की तरफ से भाग का नमस्कार। हे नाथ मुझे अब आज्ञा दो, मैं आपका तो जाता हूँ, आदेश आपका है भगवान को। जिस जन पर कृपा पकी हो पत्थर पर है भगवान।
आज्ञा दो, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे आज्ञा दे सकता हूँ बाल इतने, तुम तो किस किन्ना के युवराज हो। प्रभु युवराज अंदर ठीक ही कह रहा है, यदि मैं लंका को जाता हूँ तो रावण यही समझेगा कि आपके पास कोई सेना नहीं है और मैं अकेला हूँ, इसलिए अंगद का कहा मानिए प्रभु और उसे आज्ञा दीजिए, लंका को जाएगा, अपना बल और पावर दिखला कर आएगा। युवराज है अभी ये कैसे पाल इतने तुमको हम कहां से आया है।
बंदर, ए बंदर तू कौन है, क्या है तेरा नाम, आया क्यों दरबार में? धीराज मैं दूत राम रघुबर का हूँ, राज देश किसके Yeah.
बंदर, तेरे पास कोई वीर है नहीं, मेरा हर मिजाजर हाथी जैसा है, तुम्हारे वश बंदरों को खा जाएगा। जिस समय अनसंगता फैली तो घर में ही धन जाएगी, कुछ हरी भारी से नहीं आए शमशान आई हो।
लंका के पीरों इस बंदर को उठाकर उस तपस्वी के पास फेंक दो। समझा? आगे महाराज हार हरा कर खाए खाए कैसे पाती तो खर खान कैसे कहा राक्षण Thank you.